सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। सभी को ओम नमः शिवाय। सावन महीना के ढेर सारे शुभकामनाएं। और अभी लग रहा है ना कि सावन का महीना चल रहा है अगस्त से। अभी दो दिनों से हमारे इधर जो है काफ़ी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश वाला मौसम किया हुआ है। तो लक्ष्य स्कूल चला गया है और आयुषी अभी उठ के ब्रश कर रही है, तब तक मैं इधर घर का सारा काम करूँगी। सोच रही थी आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, लेकिन जब तक मैं पोछा नहीं लगाती ना, मेरे मन को शांति नहीं मिलता मुझे। तो जब तक बिटिया रानी उधर ब्रश कर रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं रुक जाऊँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस टाइप से लगता है। अभी से हम फुर्ती से काम करेंगे ना तो सारा दिन हमारे बदन में जो फुर्ती लगे रहता है, आलस बिल्कुल भी नहीं लगता है। और रुकने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, हमारा काम तो कोई चुटकियों में होगा नहीं, या फिर कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाएंगे तो हो जाएगा, है ना। तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों रूम को अच्छे से यहाँ पे पोंछा लगा दी हूँ, सूखा सूखा ही पोंछा लगाई हूँ। और अभी लाइट है तो पंखा मैंने चला दिया है, लाइट बार बार कट रही थी, तो अभी लाइट आई थी तो मैं बस पोंछा यहाँ पे लगा दी हूँ दोनों रूम को। और सुबह सबसे पहले तो 4:30 बजे 4:45 बजे उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना के हस्बैंड जी को और बाबू को दे के मैं भेज दी हूँ। और यहाँ जो है ना, मैं घर पोछा लगाती हूँ लाइजोल से, अच्छा से साफ़ हो जाता है। अगर आप लाइजोल नहीं यूज़ करना चाहते ना तो एक चुटकी नमक ज़रूर से डालिए पानी में और घर को पोछा लगाइए, इससे नकारात्मक जो है दूर होती है और शुद्धता बनी रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए आंगन को भी मैं उसी पानी से क्लीन कर लूँगी। गाड़ी घोड़ा आते रहते ना भी बरसात में, बार बार यहाँ पे कीचड़ जम जाते हैं। और इधर गेट को मैंने धोया हुआ था हस्बैंड जी के जाने से पहले, और वापस से यहाँ पे ना पानी जम जाती है, तो बार बार मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। लोहा है नहीं तो फिर जंग लग जाएगी। तो बाहर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ना, हरा भरा सा। तो आयुषी यहाँ पर ब्रश कर ली थी और आ गई थी मेरे पास, तो उसे मैं नाश्ता दे देती हूँ। और फिर वो मेरी बेटी जो है खुद से रेडी हो जाती है, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस इसका बाल बनाना पड़ता है। बाल थोड़े से लंबे हैं ना तो बाल बनाना पड़ता है। तो चलिए इसे टाटा बाय बाय कर देते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। रात भर बारिश हुई है तो बहुत सारा इसमें पानी जमा हुआ था। एक बार मम्मी जी यहाँ पर झाड़ू लगा के पोछा लगाए हैं, वापस से पानी जम गया है, तो वापस से मुझे अभी करने होंगे। और अभी भी लाइट है तो पंखा मैं चला दूँगी तो सूख जाएंगे। तो थोड़ी देर अभी यहाँ पे बारिश छुटी थी और हवाएं चल रही, तो सारे कपड़े मम्मी जी यहाँ टंगना में डाल दिए हैं, छेंकने वाला जो कपड़ा है। यहाँ मैंने दाल भीगने के लिए छोड़ दिया है, साग को धो के रख लिया है। तो थोड़े से बर्तन है बाहर में, मैं धो लेती हूँ, उसके बाद नहा के फिर खाना बनाऊंगी। बाहर का मौसम तो बहुत ही खराब किया हुआ है, पूरा दिन भर लगता है बारिश। तो सारे काम को निपटा के मैं नहा ली थी और सारे कपड़े को यहाँ पे गैरेज में डाल दी हूँ सूखने के लिए। सूखेंगे तो नहीं, लेकिन कपड़े तो मुझे धोने हैं ही, बच्चों के ड्रेस है, फिर कम से कम हवा से होने से भी सूखेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं कपड़े धोंगे तो बहुत सारे जमा हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा बस अभी पूजा में कर लेती हूँ, अभी बूंद बूंद बारिश हो रही है। और मम्मी जी यहाँ पे देखिए मुर्गा को लेके आ रहे हैं, यहाँ गैरेज के नीचे से बांध देंगे, भींग चुका है पूरा। और दिया बत्ती तो हर एक हाउस वाइफ को करना ही चाहिए, सुबह शाम दो टाइम, शाम का सांझ बत्ती, सुबह का पूजा पाठ। और पूजा पाठ हो गया है, मैं अभी आ गई हूँ किचन साइड में, अभी मुझे खाना बनाने की तैयारी करना है। तो जो मैंने दाल भिगो दिया था ना, उसे मैं धो के अभी चढ़ा दूँगी कुकर में, और अभी 2 सीटी में हमारा परफेक्ट दाल रेडी हो जाएगा। तो जब तक हमारा दाल रेडी हो रहा है, मैं यहाँ पर कुछ सब्जी भाजी ली हूँ, उसे मैं कट करूँगी। तो अभी हरी सब्जी में तो आग लगा हुआ है, आपको मालूम है, फिर हस्बैंड जी ले ही आते हैं। और अभी 2 महीना जैसे नॉनवेज वगैरह तो अभी बिल्कुल भी नहीं बनेगा, पहले प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे। तो अभी मम्मी बोले हम लोग तो बोलबम वगैरह नहीं जाते हैं,
तो खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 20 रुपये मुठ्ठा लाए थे हस्बैंड जी मूली, मूली तो कम थे लेकिन साग ज़्यादा थे, और साग अच्छे भी है साग। तो अभी बरसात में उसे साग ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट वगैरह दर्द करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूली के साग थे तो इसे फेंकने का मन भी नहीं कर रहा था, तो इसे मैंने धो लिया है पहले ही, और अभी मैं इसे पतला पतला कट कर दूँगी। और यहाँ पे बस एक बैंगन, आधा बैंगन मैं डाल दी हूँ, 1 कप पानी डाल के हाई फ्लेम पर हम इसे सॉफ्ट होने के लिए चढ़ा के छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ पे मैं लौकी ली हूँ, आलू और लौकी की सब्ज़ी भी बना दूँगी। पोस्तू सोच रही थी पोस्तू डालूँगी, लेकिन पोस्तू अभी है नहीं तो पोस्तू नहीं डालूँगी, मसाला डाल के बनाऊँगी। और बैंगन को यहाँ पे मैंने पतला पतला गोल गोल शेप में कट कर लिया है। बारिश देखिए कंटिन्यू चल ही रही है, देखिए। और यहाँ पे एक हंडा दिया हुआ है, ऊपर से जो है ना यहाँ से पानी चू रहा है, तो ये हंडा में सब जा रहा है। और यहाँ पे देखिए बैंगन मिर्च सारा कुछ यहाँ पे रेडी है, और हमारे दाल में सीटी भी लग गया, बस छोंकना ऐसा बाकी है। तो दाल को हम छोंका लगाएंगे, और हमारे साग को भी इधर हम चेक किए तो साग हमारा सॉफ्ट हो गया। नमक मैंने डाल दिया था और टमाटर डाला हुआ है, मूली साग में बैंगन टमाटर बहुत अच्छा लगता है। देखिए बारिश कंटिन्यू चल रही है, तो इसमें हम लहसुन प्याज और सूखा मिर्च का छौंका लगाएंगे बस, और हमारा साग रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा कवर करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट। साथ इधर हमारा दाल भी छौंका लग गया है, तो चलिए साग हमारा हो गया है। साइड वाले चूल्हे पे हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और दूसरा कढ़ाई हम चढ़ा के उसमें रिफाइन का तेल डाल देते हैं गर्म होने के लिए। इधर मैं बेसन का बैटर बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने सोडा डाला हुआ है, नमक डाला स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा हल्दी डाला हुआ है। और क्या बोलूँ फ्रेंड, मैं ना बैंगन देखती हूँ ना रह नहीं पाती हूँ, मतलब दो होने से भी बनाऊँगी बैंगनी, लेकिन बनाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगनी, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं रुक नहीं पाती हूँ, बैंगन अगर देख लेती हूँ ना तो पकौड़ा मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी। तो ये तो दोपहर के खाने के लिए बना रही हूँ, धीमी धीमी बारिश भी हो रही है तो अच्छा भी लगेगा, खाने के साथ अगर कुछ ऐसा चटपटा मिल जाए। तो थोड़ा सा मैंने झाल वाला जो मिर्च होता है ना, मिर्च पाउडर, उसे डाला है। और मिर्च का पकौड़ा मैं यहाँ पे मिर्च का भजिया मतलब तल रही हूँ, 20 से मिर्च को कट कर दी हूँ, और उसे बेसन में लपेट के इसे हम तेल में फ्राई कर लेंगे। और पहले मैं ना नहीं खाते थे, लेकिन अभी मिर्च भी मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, इसलिए शायद मुझे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी कुछ दिनों से। तो देखिए हमारा मिर्च का भजिया भी यहाँ पे रेडी है, तो सेम कढ़ाई पे हम डाल देंगे सरसों और जीरा का फ़ोरन, साथ ही प्याज और मिर्च, और तैयार किया हुआ आलू और जो लौकी हमने कट किया है उसे डाल देंगे। और ये बेसन का जो बैटर हमने डाला था ना, तो उसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा पानी बचा हुआ था तो वो डाल दिए, सब्ज़ी बनने के लिए छोड़ दी हूँ। हमारा टेस्टी सा देखिए नाश्ता है, बैंगनी है, उतना मैं नहीं खाऊँगी, बस सर्व की हूँ। एक रोटी है, मिर्च का भजिया है, मूली का साग है, और ये बच्चों को हम टिफ़िन में दिए थे उपमा, सूजी का उपमा, जो कि हस्बैंड जी भी लेके गए थे, हस्बैंड जी को भी मतलब दिया हुआ है मैंने। और जब तक नाश्ता कर रही थी, इधर हमारा लौकी का सब्जी भी रेडी है सिंपल सा। तो बस अभी सारा खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी किचन थोड़ा सा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो किचन को मुझे थोड़ा सा साफ़ सुथरा यहाँ पर कर लेना होगा। जो यहाँ पे वापस से पानी जम गए हैं ना, वो सभी को मुझे क्लीन करना होगा। तो मम्मी जी जो ये साड़ी यहाँ पे छेंकते हैं ना, उस वही वाला साड़ी से मैं सारे पानी को उसमें सोख के और इधर आंगन पे निचोड़ के सबको हटाऊंगी। तो देखिए कितना सारा पानी जमा हुआ है, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी भी बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो अभी जो कचरे सब जमा हुआ था ना, सब्जी मैंने कट किया था, उसे अभी डस्टबिन में डालना है। यहाँ वहाँ हम नहीं डालते हैं, बाल्टी है फटा वाला उसी में डालते हैं, फिर पापा उसे खाद बना के जो बगान में सब्जी भाजी उगाते हैं ना उसमें यूज करते हैं, तो ये अच्छा भी होता है। तो उसके बाद हम थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए रूम में चले जाते हैं। और अभी टाइम हो चला है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, आयुषी स्कूल से आ गई है, थोड़ा सा बस भीग गई थी, तो हम दोनों के लिए हम यहाँ पर प्लेट लगा रहे हैं खाना, क्योंकि बाबू को अगर रुकेंगे ना तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाता है।
और मैं नहीं खाऊंगी तो आयुषी भी नहीं खाएगी, इसी के लिए टाइम से खाना ज़रूरी होता है। तो ये रहा हमारा आज का थाली, दाल है, भात है, मिर्च का भजिया है, सलाद में खीरा है, बैगनी है, लौकी का सब्जी है और इधर है आयुषी का प्लेट। तभी आयुषी बोरी रूम में लेके चलेंगे, लाइट है तो टीवी देख देख के खाएंगे। तो निकलते हैं हम अभी किचन से और रूम में लेके जाते हैं। आयुषी पहले ही टीवी चालू करके रखी हुई है और आयुषी का फेवरेट कार्टून यहाँ पे देखिए चल रहा है। और यहीं पे मुझे भी कार्टून देखना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चा कहते हैं ना, तो जैसे बच्चों को संस्कार देंगे वैसे ही होंगे। और मेरी बिटिया रानी देखिए लक्ष्मी माता को पहले प्रणाम करती है, उसके बाद ही खाती है। तो जैसे बच्चे हमें देखते हैं ना वैसा ही वो ढल जाते हैं, है ना। तो हम दोनों ही साथ में खाते हैं और यहाँ टीवी देख देख के कार्टून देख देख के खाना एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।